Good morning, student. In this video lecture, we will see concept of quadrature. Let's see the definition of quadrature. Quadrature means it is the process of finding area of curve. Quadrature means क्या है? किसी भी कर्व का जो एरिया फाइंड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वाड्रेचर. ठीक है, अब देखो एरिया फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं. अगर कर्व जो है वो एक्स एक्सिस पे बनता है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, वाई एक्सिस पे बनता है या फिर एरिया बिटवीन द कर्व्स, राइट है. तो फर्स्ट फार्मूला है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी इज ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स. ठीक है, जैसे ये फिगर में दिख रहा है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई कर्व है, ये कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और उसके बाद ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी. अब इससे जो रीजन बाउंड हो गया ये वाला, ये कर्व, ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो रीजन बाउंड हो गया, तो इसका जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो इस रिजल्ट से, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स. ठीक है, तो ए जो है यहाँ पे देखो लोअर लिमिट रहेगा, जो भी रीजन है एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पॉइंट है वो लोअर लिमिट रहेगा इंटीग्रेशन का, और जो राइट हैंड साइड पे पॉइंट है वो अपर लिमिट रहेगा एक्स इज इक्वल टू बी. अब यही कर्व अगर वाई एक्सिस पे बनता है तो सेकंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू सी एंड वाई इज इक्वल टू डी इज ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी टू डी, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स डी वाई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कर्व है आपका, ये इस तरह से जो दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई और ये वाई इज इक्वल टू सी लाइन, ये वाई इज इक्वल टू सी लाइन और वाई इज इक्वल टू डी लाइन से, और ये कर्व के बीच में जो भी रीजन है, ये जो रीजन है इस रीजन का एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये रिजल्ट आपको यूज़ करना है, राइट है. तो वाई एक्सिस में जो नीचे वाली लाइन रहेगी सी पॉइंट, ये लोअर लिमिट रहेगी इंटीग्रेशन की, और जो ऊपर वाली पॉइंट लाइन रहेगी वो अपर लिमिट रहेगी इंटीग्रेशन की. अब ये दो फॉर्मूले पे जो है हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और एरिया बिटवीन द कर्व्स के जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. तो देखेंगे एग्जांपल, एग्जांपल नंबर वन इज फाइंड द एरिया ऑफ वन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर फोर. तो देखो कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर फोर. इस कर्व को हम ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ट्रेस करके बताया था, इसकी फिगर आपको पता है. देखो किस तरह से इसके फिगर बनाए थे हमने, इसके जो पॉइंट ऑफ इंटर, ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर जो है वो सिमेट्रिक था, राइट है, क्योंकि एक्स और वाई वेरिएबल दोनों की पावर इवन है इसमें, राइट है. तो पूरा ट्रेस वाला पोर्शन जो है मैं प्रीवियस वीडियो में ही ये एग्जांपल आपको सॉल्व करवाया हूँ, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए थे एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए थे जीरो वन और माइनस वन, और इसकी फिगर जो है हमने इस तरह से ड्रॉ किए थे. ठीक है, इसके अंदर कितने दो लूप है इसमें, तो एग्जाम्पल में बता रहे हैं आपको एक लूप का, आपको वन लूप का जो है एरिया कैलकुलेट करना है. मीन्स यहाँ पे ये जो ये इधर वाला जो लूप है या फिर दोनों लूप का एरिया जो है वो सेम ही रहेगा, तो आपको सिर्फ वन लूप का जो है वो एरिया कैलकुलेट करना है इधर वाले का. ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अभी जस्ट हमने अभी फॉर्मूला देखे थे कि एक्स एक्सिस पे जो रीजन कर्व बनता है, जैसे ये जो कर्व बना आपका ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन के लिए जो एरिया का फॉर्मूला रहेगा हमारा, एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ से पहले मैं वाई की वैल्यू सेपरेट कर लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है. तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो एरिया का जनरल फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स, राइट है, क्योंकि ये जो कर्व है तुम्हारा वो एक्स एक्सिस से बाउंड है, इसलिए एक्स एक्सिस से बाउंड है, इसलिए मैंने इसको कैसे लिखा हूँ, वाई डी एक्स लिखा हूँ. अगर ये वाई एक्सिस पे बाउंड होता तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, एक्स डी वाई वाला फार्मूला लिखता, राइट है. अब देखो ये वाला फार्मूला हम इसके लिए यूज़ करेंगे, तो ये जो मैंने शेड किया हूँ रीजन, इतने ही रीजन का एरिया आएगा, और इस लूप में जो है जितना रीजन ऊपर है, जितना एरिया ऊपर दिख रहा है ऊपर वाले रीजन का, एग्जैक्टली सेम रीजन नीचे भी दिख रहा है, राइट है. तो हम रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया में क्या करेंगे, अभी ये फॉर्मूला अगर मैं ये वाला लिमिट लेके कैलकुलेशन करूँगा, जीरो टू वन लिमिट लेके कैलकुलेशन करूँगा, तो सिर्फ ये शेडेड रीजन का ही एरिया आएगा, और ये लूप में तो ये नीचे वाला रीजन भी है, तो हम क्या करेंगे, जितना रीजन ऊपर है उतना ही रीजन नीचे है, तो फॉर्मूले को टू से मल्टीपल करेंगे. ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया, इस फिगर को देख के मैं रिक्वायर्ड एरिया लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू
टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू वन, ये लिमिट हो गई जीरो टू वन, और उसके बाद y, y का y की वैल्यू क्या है, x अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो 2 से मैंने क्यों मल्टीपल किया हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ या तो x एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट का एरिया कैलकुलेट करेगा या तो x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का एरिया कैलकुलेट करेगा, जबकि हमारे पास जितना रीजन x एक्सिस के ऊपर है उतना ही रीजन नीचे भी है, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीपल किया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन देखो दो तरीके से हो सकता है, या तो हमने यूनिट नंबर 1 में जो है वो बीटा फंक्शन पढ़े हैं, अगर आपको याद होगा तो बीटा फंक्शन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जनरल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने 12 में पढ़े होंगे, राइट है। तो मैं यहाँ पे बीटा फंक्शन वाला मेथड जो है अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि उसका भी रिवीजन हो जाएगा, राइट है। तो देखो बीटा फंक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे x लगा है, यहाँ पे 1 होना, 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की जगह समथिंग यहाँ पे डिफरेंट आना चाहिए, मतलब डिफरेंट मतलब एक सिंगल वेरिएबल आना चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, राइट है। तो एक्स स्क्वायर की जगह सिंगल वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो पहले मैंने अंडर रूट का मीनिंग लिख लेंगे, पहले अंडर रूट का मीनिंग क्या है, a इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 1 x, रूट का मीनिंग है रेस्ट टू पावर 1 बाय 2, ठीक है, dx। अब जो है मैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन बनाने के लिए ये एक्स स्क्वायर के पोजिशन पे यहाँ पे सिंगल वेरिएबल आना चाहिए, तो मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, राइट है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t मतलब x इज इक्वल टू t रेस्ट टू पावर 1 बाय 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट देंगे, डिफरेंशिएट देंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 टी रेस्ट टू पावर 1 बाई 2 माइनस 1 डी टी, टी रेस्ट टू पावर 1 बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होगा, ये 1 बाई 2 कोफिशिएंट में आएगा, और टी रेस्ट टू पावर 1 बाई 2 माइनस 1 डी टी। ठीक है, अब लिमिट देखो, लोअर लिमिट है 0, ये x की लिमिट है, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे रखें कि x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू भी 0 ही आंसर आएगा, x इज इक्वल टू अपर लिमिट रखेंगे 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो t इज इक्वल टू भी 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब रखेंगे सब्स्टिट्यूशन पूरा इसके अंदर पुट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 1, लिमिट तो एज इट इज है, x x के पोजिशन पे हमको टी रेस्ट पावर 1 बाई 2 रखना है, उसके बाद है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पोजिशन पे टी रखना है, और रेस्ट पावर 1 बाई 2 है, उसके बाद है dx के पोजिशन पे 1 बाई 2 टी रेस्ट पावर 1 बाई 2 माइनस 1 डी टी रखना है। ठीक है, तो देखो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 1 बाई 2 जब बाहर आएगा तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये टी और ये टी को सॉल्व कर लेते, तो इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी रेस्ट पावर 1 बाई 2 है, टी रेस्ट पावर 1 बाई 2 माइनस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, टी रेस्ट पावर 1 बाई 2 और उसकी पावर प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, और आगे ये ब्रैकेट है 1 माइनस टी रेस्ट पावर 1 बाई 2 और उसके बाद है डी टी। ठीक है, तो देखो बीटा फंक्शन की डिफरेंशन क्या होती है, बीटा फंक्शन की डिफरेंशन इस तरह से, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेस्ट टू पावर, या फिर टी मैं यूज़ कर लेता हूँ, एक्स रेस्ट टू पावर एम माइनस 1 1 माइनस एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू होता है बीटा ऑफ एम कॉमा एन। तो ये जो नंबर्स है आपका टी रेस्ट टू पावर, ये एन माइनस 1 के फॉर्म में होना चाहिए, तो माइनस 1 आगे होना चाहिए। अब ये दोनों नंबर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइनस 1 को कैलकुलेट नहीं करते, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी रेस्ट टू पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1, और ये आगे का माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, ये 1 माइनस टी रेस्ट टू पावर ऐसे आना चाहिए, एन माइनस 1 आना चाहिए, तो 1 बाई 2 को मैं एन माइनस 1 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस टी रेस्ट टू पावर, देखो कैसे लिखेंगे, ये न्यूमरेटर डिनोमीटर को एडिशन कर दो, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, ऊपर 3 लिख लो, डिनोमीटर में 2 और आगे माइनस 1, तो 3 बाई 2 माइनस 1 को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 1 बाई 2 आया, तो 1 बाई 2 को आप n माइनस 1 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 बाई 2 माइनस 1, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद dt। अब ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन दोनों को अगर मैच करेंगे तो एग्जैक्टली सेम है, m की पोजीशन यहाँ पे x रेस्ट टू पावर क्या है, m है, m की पोजीशन पे यहाँ पे 1 आ गया, राइट है, और यहाँ n की पोजीशन पे कितना आ गया, 3 बाई 2 आ गया, तो ये जो इंटीग्रेशन है बीटा ऑफ m कॉमा n है, तो ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बीटा ऑफ 1 कॉमा 3 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन इसको हम लिख सकते हैं बीटा ऑफ 1 कॉमा 3 बाय 2। अब बीटा ऑफ 1 कॉमा 3 बाय 2 को गामा फंक्शन में रिड्यूस करो। ठीक है, जिसने यूनिट नंबर 1 अच्छे से प्रिपेयर किया है तो वो इसके लिए तो बहुत ही आसान है, तो बीटा ऑफ 1 कॉमा 3 बाय 2 के गामा फंक्शन में रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा गामा 1 गामा 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय गामा 1 प्लस 3 बाय 2। ठीक है, ये गामा फंक्शन का एक्सपांशन, गामा फंक्शन का एक्सपांशन करेंगे तो गामा 1 की वैल्यू 1 ही होती है,
और गामा 3/2। गामा 3/2 का एक्सपांशन क्या आता है, 1/2 अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाय गामा 1 प्लस 3/2। देखो 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 5/2। गामा 5/2 हो जाएगा, तो गामा 5/2 का मैं डायरेक्टली एक्सपांशन लिख रहा हूँ। गामा 5/2 का एक्सपांशन 3/2 1/2 अंडर रूट पाई, तो ये 1/2 अंडर रूट पाई, 1/2 अंडर रूट पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 3/2 बचेगा डिनोमीटर में। तो 3/2 को हम, ये 2 जो है वो डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, मीन्स आंसर आएगा 2/3। तो ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसका वन लूप का जो एरिया है वो कितना आया, 2/3 आया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ एस्टेरॉयड x^2/3 प्लस y^2/3 इज इक्वल टू a^2/3। सॉल्यूशन, देखो ये जो इक्वेशन है एस्टेरॉयड की इक्वेशन है, जिस तरह से सर्कल होता है सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, उसी तरह से एस्टेरॉयड के स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सर्कल की भी फिगर आपको पता है, और ये एस्टेरॉयड की फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। ये है आपका x^2/3 प्लस y^2/3 इज इक्वल टू a^2/3। तो इस तरह से ये फिगर आपको याद रखनी है, जिस तरह से आप सर्कल की फिगर याद रखते हैं उसी तरह से एस्टेरॉयड की फिगर को भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट आया यहाँ पे a^2/3 है, तो ये पॉइंट जो है तुम्हारा a है, माइनस a, और ये a और ये माइनस a, ठीक है। और ये जितना भी रीजन दिख रहा है 4 ब्लॉक्स के अंदर, ये इक्वल रीजन है, सभी का एरिया जो है वो इक्वल आएगा। तो ये है आपका इक्वेशन x^2/3 प्लस y^2/3 इज इक्वल टू a^2/3। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं y को सेपरेट करूँगा, तो y की वैल्यू मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। x^2/3 को साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो y^2/3 इज इक्वल टू a^2/3 माइनस x^2/3। अब यहाँ से ये x^2/3 जो है वो कैंसिल करना है, तो दोनों साइड जो है हम कौन सी पावर लेंगे, 3/2 पावर लेंगे, तो ये 2/3 से 3/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू a^2/3 माइनस x^2/3 x^3/2, ठीक है। तो ये y की वैल्यू सेपरेट हो गई। अब एरिया का फॉर्मूला, मैं इतने रीजन को ही कंसिडर करके एरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, जितना मैंने शेडेड किया हूँ। अब ये जितना रीजन मैंने शेडेड किया, तो इसके बाद लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है, ये तो ओरिजिन है 0 to a, बराबर है। तो एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a^2/bydx। अब हमको रिक्वायर्ड एरिया लिखना है, ये पूरे स्टेरॉयड का एरिया लेना है हमको, जितना मैंने शेड किया तो उतना, उतने कितने रीजन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 रीजन है। तो रिक्वायर्ड एरिया जब लिखेंगे हम, तो पूरे स्टेरॉयड का एरिया हमारे पास आना चाहिए, इसलिए एरिया के फॉर्मूले को कितने से मल्टीपल देंगे, 4 से मल्टीपल देंगे, राइट है। ये वाली लिमिट लेकर, 0 to a लिमिट लेकर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, तो सिर्फ इतने रीजन जितना मैंने शेड किया उतने रीजन का ही एरिया आएगा, जबकि हमको पूरे एस्टेरॉयड का जो है वो एरिया कैलकुलेट करना है, इसलिए हमको 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा, राइट है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज a इज इक्वल टू 4 × 0 to a। तो ये लिमिट लगा दिया मैंने 0 to a, और उसके बाद है y की वैल्यू है हमारे पास a^2/3 माइनस x^2/3 x^3/2dx, ठीक है। अब इसको भी, ये क्वेश्चन को भी हम बीटा फंक्शन से सॉल्व करेंगे। बीटा फंक्शन से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे 1 आना चाहिए बीटा फंक्शन की डेफिनेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे a^2/3, तो a^2/3 को हम कॉमन लेंगे, तो a^2/3 को जब मैं कॉमन लूँगा, तो a इज इक्वल टू 4 × 0 to a। a^2/3 को मैं कॉमन लूँगा, तो a^2/3 और ब्रैकेट की पावर कितनी है, 3/2। तो a^2/3 और ब्रैकेट की पावर 3/2 से a की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मतलब बाहर जो है वो इस तरह से आएगा। देखो a^2/3 x^3/2 और ब्रैकेट में यहाँ से a^2/3 को कॉमन लिए, तो यहाँ से बचा 1 माइनस, ये x में से a^2/3 को कॉमन लिए, तो यहाँ बचेगा आपके पास x^2/3 डिवाइडेड बाय a^2/3 और होल / ब्रैकेट की पावर कितनी है, 3/2 dx, ठीक है। a^2/3 कॉमन लिए, तो a^2/3 की पावर जो है वो ब्रैकेट की भी पावर उसके साथ में आएगी। अब ये 2 upon 3 और ये 3 upon 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा a को हम बाहर लिख लेंगे, राइट है।
और यहाँ पे अब यहाँ पे सिंगल वेरिएबल आना चाहिए, जबकि यहाँ पे x रेस्ट पावर 2 बाई 3 डिवाइडेड बाय a रेस्ट पावर 2 बाई 3 आया, तो ये पूरा टर्म्स की जगह हम क्या करेंगे, t सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रहेगा तुम्हारा x रेस्ट पावर 2 बाई 3 डिवाइडेड बाय a रेस्ट पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू t, x की वैल्यू सेपरेट कर लेते तो x रेस्ट पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू a रेस्ट पावर 2 बाई 3 को साइड में शिफ्ट कर देते तो ये हो जाएगा a रेस्ट पावर 2 बाई 3 t, राइट है। x की पावर 2 बाई 3 कैंसिल करना है तो दोनों साइड में जो है वो 3 बाई 2 पावर लेंगे, दोनों साइड में 3 बाई 2 पावर लेंगे तो a की पावर जो 3 बाई 2 बाई 3 है वो कैंसिल हो जाएगा और t की पावर जो है वो 3 बाई 2 आ जाएगी, ठीक है। पावर 3 बाई 2 लिया मैंने तो इसकी पावर 2 बाई 3 कैंसिल, इसकी पावर 2 बाई 3 कैंसिल और t रेस्ट पावर कितना आ जाएगा, 3 बाई 2 आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, dx इज इक्वल टू a तो एज इज रहेगा, t रेस्ट पावर 3 बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 बाई 2 t रेस्ट पावर 3 बाई 2 माइनस 1 और आगे dt, ठीक है। उसके बाद लिमिट चेंज करेंगे, लोअर लिमिट है हमारे पास x की, लोअर लिमिट कितनी है 0 यहाँ पर रखेंगे, 0 डिवाइड बाई समथिंग 0 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू अपर लिमिट रखेंगे a, अपर लिमिट x की a है तो t इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे तो देखो a रेस्ट पावर 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई a रेस्ट पावर 2 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। अब ये सारा सब्स्टिट्यूशन जो है हमको यहाँ रखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ इसको, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और ये a बाहर कर देता हूँ, a बाहर इंटीग्रेशन 0 टू 1 लिमिट हो गई और उसके बाद है ब्रैकेट 1 माइनस और ये x रेस्ट पावर 2 बाई 3 डिवाइड बाई a रेस्ट पावर 2 बाई 3 की पोजीशन पे t रेस्ट पावर कितना है 3 बाई 2, उसके बाद है dx, dx की पोजीशन पे ये पूरा है a इंटू 3 बाई 2 t रेस्ट पावर 3 बाई 2 माइनस 1 dt, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट नंबर है उसको बाहर कर लेते, कॉन्स्टेंट नंबर क्या है a 3 बाई 2 बाहर है तो 4a इंटू 3a बाई 2 कॉमन कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिए, इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये t वाले टर्म्स को पहले लिख लेता हूँ, t रेस्ट पावर 3 बाई 2 माइनस 1 और ये 1 माइनस t रेस्ट पावर 3 बाई 2। अब इसको n माइनस 1 के फॉर्म में लिखना है तो n माइनस 1 के फॉर्म में कैसे करेंगे आप, ये न्यूमरेटर डिनोमेटर को ऐड कर दो तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 5 बाई 2 और आगे माइनस 1 लगा दो तो देखो 5 बाई 2 माइनस 1 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 बाई 2 आंसर है, ठीक है। तो ये बन गया आपका, देखो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 तो 2 ज़ा 3 कितना 6, ये हो जाएगा आपका 6a और ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये बीटा फंक्शन बन गया, किसका बीटा फंक्शन बन गया, यहाँ पे m की जगह पे 3 बाई 2 है और n की जगह पे 5 बाई 2 है तो ये हो गया आपका बीटा ऑफ 3 बाई 2 कॉमा 5 बाई 2। अब बीटा ऑफ 3 बाई 2 कॉमा 5 बाई 2 को सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा आपका 6a गामा 3 बाई 2 गामा 5 बाई 2 डिवाइडेड बाय गामा 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 2, ठीक है। तो क्या बनेगा आंसर, गामा 3 बाई 2 का एक्सपांशन 6a एज इट इज, गामा 3 बाई 2 का एक्सपांशन 1 बाई 2 रूट पाई मल्टीपल 5 बाई 2 का एक्सपांशन 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 रूट पाई होल डिवाइडेड बाई, डिनोमीटर में देखो 3 प्लस 5 8, 8 बाई 8 बाई 2, 8 बाई 2 मतलब 4, गामा 4, गामा 4 का एक्सपांशन, गामा 4 इज इक्वल टू कितना होगा 3 फैक्टोरियल, गामा 4 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल, ये ऑलरेडी हम सब यूनिट नंबर 1 में देख चुके हैं, गामा 4 इज इक्वल टू कितना होता है 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले मैं इसको सेपरेट करके लिख लेता हूँ उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो न्यूमरेटर में है आपका 6a और क्या है न्यूमरेटर में अंडर रूट पाई है मल्टीपल और न्यूमरेटर में क्या है 3 है मल्टीपल 1 है, 1 मल्टीपल में नहीं भी लिखे तो चलेगा, उसके बाद रूट पाई है डिनोमीटर में क्या है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है और डिनोमीटर में क्या है यहाँ से 2 मल्टीपल ये 2 मल्टीपल ये 2, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 6 से 6 कैंसिल, ठीक है, रूट पाई पाई और कुछ कैंसिल होता है और कुछ भी कैंसिल नहीं होता है तो आंसर कितना आएगा 3 पाई a डिवाइडेड बाय 8, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से जो है वो एरिया कैलकुलेट करते हैं किसी भी रीजन का। अब इसमें मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये होमवर्क आपको सॉल्व करना है,
एक एग्जांपल होमवर्क, एग्जांपल नंबर 3 ये होमवर्क रहेगा। दो एग्जांपल होमवर्क रहेगी। द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू a माइनस x, इसका आंसर है 8a² / 15। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1, आंसर है ab π। तो ये दो एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरिया बिटवीन द कर्व्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।